नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, सैटरडे का दिन है, 28 अगस्त है, और 1 सितंबर आने में ज़्यादा दिन अब नहीं रहा। और 1 सितंबर आने का मतलब, 1 सितंबर 2021 आने का क्या मतलब हो रहा है कि अब आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। मोटा मोटी लैंग्वेज में अगर मैं बता दूँ, ब्रोकर की तरफ से अब आपको मार्जिन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। सेबी के नियमानुसार, सेबी ने जो नियम बनाया था मई से, जो स्टार्ट करके उन्होंने लेके गए कि पहले 25% मार्जिन देना पड़ता था हम लोगों को, 75% मार्जिन देता था ब्रोकर। उसके बाद फिर उसने जुलाई और अगस्त तक में लेके आया कि भाई, जुलाई में लाया कि 50% तक देना होगा ट्रेडर को मार्जिन, और बाकी 50% ब्रोकर देगा। उसके बाद अगस्त में आया कि भाई फिर 25% बढ़ाते हैं, अब 75% ट्रेडर देगा मार्जिन और 25% ब्रोकर देगा। अब यहाँ पर सितंबर में लाया जा रहा है कि अब 100% ट्रेडर ही मार्जिन देगा किसी भी स्टॉक को ट्रेड करने के लिए। सीधा सीधा सेबी कह रहा है, भाई साहब, मैं सिर्फ, देखिए, मैं यहाँ पे ये किसी का विरोध और किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सवाल रख रहा हूँ। अगर इस सवाल से जवाब अगर मिल सके तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे सीधे सीधे सेबी का कहना है कि भैया, जेब में अगर पूरा पैसा है तभी ट्रेड करो, तभी ट्रेड करो, अदरवाइज तुम बाहर होके बैठो। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि अगर आपको लोन की ज़रूरत है, आपको 10 लाख रुपए लोन की ज़रूरत है, और बैंक में आप लोन लेने के लिए जाते हैं, तो बैंक बोलता है कि पहले तुम 10 लाख रुपया मेरे पास रख दो, 15 लाख रुपया मेरे पास रख दो, तब हम तुमको 10 लाख का लोन देंगे। समझ रहे हैं ना, वो क्या बोल रहा है बैंक आपको कि पहले तुमको 20 लाख रुपया रख दो, तब हम तुमको 10 लाख रुपया देंगे लोन। अरे भैया, जब मेरे पास 20 लाख रुपया रहेगा ही अभी, तो मैं तुमसे 10 लाख का लोन क्यों लूँगा। सीधी सीधी से मोटा मोटा चदरा का हिसाब से ये समझिए। तो बैंक आपसे अगर ये बोले तो क्या आप लोन लेंगे, तो बैंक आप कहेंगे नहीं, फिर हम क्यों लोन लेंगे। तो इसका मतलब जब हमको 10-15 लाख रख के 10 लाख रुपये का लोन मिला तो फ़ायदा क्या है, कोई फ़ायदा नहीं। तो सेम वही कंडीशन ये हैं कि अगर हमको मार्जिन ही नहीं मिलेगा तो भाई, हम पूरा पैसा लगा के अगर हम ट्रेड करते हैं, पूरा पैसा, फिर ब्रोकर का काम क्या है। ब्रोकर तो फिर यहाँ पे मिस कोई मतलब का बात नहीं, हम तो डायरेक्ट जाएंगे एक्सचेंज में जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेंगे और हम डायरेक्ट ट्रेड कर लेंगे। फिर ब्रोकर का क्या काम है। ब्रोकर इसीलिए ना हम लोग के बीच में रहता है क्योंकि ब्रोकर हमें अपनी तरफ से बहुत सारी फैसिलिटी देता है, देता है कि ना, हम उसका टर्मिनल यूज़ करते हैं और बदले में वो हमें मार्जिन लिवरेज देता है, फिर हम उसमें ट्रेड करते हैं, जिससे ब्रोकरेज बनता है और ब्रोकर का घर परिवार भी चलता है। एक फैक्ट तो यही है ना, एक नॉर्मल फैक्ट तो यही है ना। तो अब मान लीजिए कि ब्रोकर का हाथ पांव काट दिया, सेबी ने बोल दिया कि भैया तुम नहीं दोगे मार्जिन, अब उसके पास पैसा होगा ट्रेडर के पास तो करेगा ट्रेडिंग, और नहीं होगा तो नहीं करेगा, सीधी सी बात। तो भैया, ब्रोकर का काम क्या रहा फिर, खाली चार्ट देने के लिए ब्रोकर बैठा है सिर्फ। इसका मतलब तो ये ना कि सिर्फ चार्ट देने के लिए बैठा, तो ब्रोकर का फिर कोई यूज़ नहीं। हम डायरेक्ट जाएंगे एक्सचेंज में, अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे कि भैया हमको रजिस्ट्रेशन ऐसा ऑप्शन है, विकल्प है कि आप बिना किसी ब्रोकर के माध्यम से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो जाइए, अपने आप को पैन आधार सब लेकर आप डायरेक्ट वहाँ से स्टॉक खरीद लीजिए और बेच लीजिए, कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट कर लेंगे ना भैया, फिर हमको ब्रोकर का क्या ज़रूरत है, एक बात समझिए। इसका मतलब सबसे पहले तो आप ब्रोकर को मार दिए, देखिए मैं कोई ब्रोकर तो नहीं हूँ, है ना, मैं क्या हूँ, एक ट्रेडर हूँ और मेरा घर परिवार इसी चलता है। लेकिन मैं यहाँ पे ब्रोकर की बात इसलिए भी रख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ब्रोकर हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब ठीक उसी तरह से जैसे अभी बैंक वाला एग्जांपल दिया ना, कि अगर बैंक बोलता है कि तुमको 10 लाख रुपया का लोन हम तभी देंगे जब तुमको 10 लाख रुपया रख दोगे पहले रख दो, 10-20 लाख रुपया रख दो पहले, तभी हम तुमको लोन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो भैया, जब पैसा ही रहेगा मेरे पास 15-20 लाख रुपया, तुमसे लोन क्यों लेंगे रे पगला, पागल समझ रखा है, क्यों लेंगे, एक बात बताओ, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं लेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे सेबी करना क्या चाह रहा है, मैं देखिए, मैं कोई सवाल ये कोई ये नहीं, मैं जज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपना हिसाब से समझ रहा हूँ कि या तो सेबी चाहता है कि ये सारे रिटेल ट्रेडर बाहर हो जाए मार्केट से, वो ट्रेड ही ना करे। तो रिटेल ट्रेडर ने एक वर्ड पकड़ा हुआ है, ये सेबी ने एक वर्ड पकड़ लिया है पागल बनाने के लिए। बहुत पहले चलता था इंडिया में, कुछ वर्ड को मार्केट किया गया था, कुछ वर्ड को मैनिपुलेट किया गया था, यहाँ पे फैलाया गया था, टॉलरेंस करके एक वर्ड। बहुत सालों में जब मोदी सरकार आया था उसके बाद टॉलरेंस वर्ड का मार्केट विपक्षियों द्वारा, विरोधियों द्वारा बहुत फैलाया गया, ठीक है, टॉलरेंस हो रहा है, ये हो रहा है, वो है।
ठीक है, तो वो मार्केट क्या है, उसके पहले हम लोग को वो वर्ड पता नहीं था, बहुत कम लोग जानते होंगे। इसी तरह ने सेबी ने एक वर्ड पकड़ा हुआ है, जब भी आपको सवाल पूछेगा ना तो एक जवाब आगे बनेगा। हम स्पेकुलेशन को रोकना चाहते हैं, सीधा उसका सीधा है, क्या कहेगा, हम स्पेकुलेशन को रोकना चाहते हैं। अरे माने जब हर सवाल में तुम्हारा यही जवाब होता है स्पेकुलेशन, कितना स्पेकुलेशन रोका है भैया बता दो जरा, लिस्ट निकाल के मुझे कितना रोके हो एक बात बता दो। आज का मामला 4 साल बाद तुमको नजर आता है, ये क्या स्पेकुलेशन रोक रहे हो भैया, ये तो मुझे समझ नहीं आता है। तो कुछ नहीं होता है, बस मैं एक जब एक्चुअली देखिए मुझे इस पर वीडियो बनाना भी नहीं था, मैं ये सब चक्कर में पड़ता भी नहीं हुई, से भी ते भी मुझे ये कभी समझ में नहीं आया जीवन में। एक्चुअली होता क्या है ना, आज ऑफिस कल्चर वर्क कल्चर जब आप काम करते हैं ऑफिस में, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, कोई ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसकी ज़रूरत होती नहीं है, तो उसमें जो वहाँ के लोग होते हैं ना उनको अपनी नौकरी कहीं ना कहीं बचाना होता है, तो उनको कुछ ना कुछ करना रहता है, मतलब कुछ ना कुछ वो करता रहेगा या दूसरा का काम खराब करता रहेगा, कुछ ना कुछ नियम बनाता रहेगा ताकि उसको लगे सामने वाले बॉस को कि नहीं ये काम कर रहा है ना, तो नहीं तो नौकरी चल जाएगी ना, नौकरी चल जाएगी। इसको कोई काम नहीं है, इसको यही काम है। दुनिया में सबसे ज़्यादा गूगल सर्च करेंगे ना तो सबसे ज़्यादा रूल रेगुलेशन और टिपिकल मार्केट इंडिया का है, एकदम यहाँ पे सबसे ज़्यादा टिपिकल है ट्रेड करना, इंडिया में सबसे ज़्यादा रूल यही है, सबसे ज़्यादा रूल यही है। पूरा दुनिया में कहीं भी चले जाइए इतना ज़्यादा किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे इतना ज़्यादा रूल नहीं होता है, तो वहाँ तो रोज़ तब इसका मतलब स्पेकुलेशन होता होगा, रोज़ घोटाला होता होगा, यही ना कह रहा है सेबी तक, उसका मतलब रोज़ होता होगा। कितना सुना है अभी तक आपने विदेशों में ऐसा घोटाला जितना ये हमारे इंडिया में हो गया तुम्हारे रूल रेगुलेशन के चक्कर में, कितना हो गया। आप इतने रूल टाइट कर देते हो सर कि लोगों को कहीं ना कहीं तोड़ निकालना पड़ता है, लोगों को कहीं ना कहीं कुछ उधेड़ बुन करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तुक्का लगाना पड़ता है, तब जाके आपका कहीं ना कहीं घोटाला उटाला का फिर से मामला सुन। आप अगर किसी को टाइट कर, आप उतनी टाइट कर रहे हो, आप मुझे ये बताओ क्या ब्रोकर को नहीं मालूम है, ब्रोकर नहीं जानता है हमें कितना मार्जिन देना चाहिए किस क्लाइंट को। ब्रोकर के पास अगर क्लाइंट है, आप रजिस्टर्ड हैं, ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसका टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं, उसका सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो ब्रोकर आपको तो जान रहा है ना भैया कि इसका बैंक बैलेंस क्या है, क्योंकि आपने तो उसको अपना बैंक अकाउंट दिया हुआ है ना कैंसिल चेक करके, तभी तो उसने आपका अकाउंट ओपन किया, स्टेटमेंट तो आपने दिया ना भैया, तो उसको तो पता है ना आपका हैसियत क्या है। तो जब ब्रोकर को पता है, ब्रोकर अपने हिसाब से इस चीज़ को सेटल कर सकता है, मेरे ख्याल से ब्रोकर इस चीज़ को अपने हिसाब से सेटल कर सकता है भैया कि किस क्लाइंट को कितना मार्जिन देना चाहिए, कितना लिवरेज देना चाहिए, वो कर सकता है। इसमें ये आके सेबी बार बार उंगली कर देता है। अब समस्या यहाँ पर यही उत्पन्न है कि अगर आप इतना ही टाइट करोगे तो सीधी सी बात है, आप कह रहे हो कि हम रिटेल ट्रेडर का रक्षक है, हम चाहते हैं कि वो स्पेकुलेशन में ना पड़े, बचा रहे, सेफ रहे। आपको पता है रिटेल ट्रेडर आपसे ज़्यादा होशियार है, मैं आपको बता दूँ रिटेल ट्रेडर सारे होशियार है। रिटेल ट्रेडर ने दिमाग क्या लगाया, अच्छा बेटा तुम तो मार्जिन ना दोगे हमको, कम कर दोगे, हाँ कम करवा रहे हो ब्रोकर लोग, अब हमको मार्जिन नहीं देगा, क्योंकि ब्रोकर को भाई सेबी के अंदर काम करना है तो मजबूर है वो क्या कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया, अच्छा ठीक है तो स्टॉक में ना तुम इक्विटी में नहीं दोगे ना, इक्विटी कैश में नहीं दोगे ना तुम हमको, हम चले जाते हैं ऑप्शन में। ठीक है, आप ज़्यादा ध्यान से समझिए, होशियार चंद की कमी थोड़ी, चला गया सारा रिटेल ट्रेडर कहाँ चला गया, ऑप्शन में। ऑप्शन में भी कहाँ गया, सेलिंग में नहीं जाएगा, क्यों, सेलिंग में तो पूरा पैसा लगेगा ना, सेलिंग में अगर आप लॉट सेल करते हैं, फ्यूचर में आप लॉट सेल करते हैं, ऑप्शन में लॉट सेल, तो पूरा पैसा लगेगा, पूरा का पूरा मतलब 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख ये सब लग जाते हैं, 2-3 लॉट सेल मार दिए तो 50 लाख चले जाएंगे, है ना, 50 लाख। अब बताइए रिटेल ट्रेडर 50 लाख रख के ट्रेडिंग करेगा, तो पॉसिबल है, नहीं है। तो वो क्या करता है, सेलिंग नहीं करके ऑप्शन में बाय करने लग जाता है, क्योंकि बाय में कम पैसा लगता है, सिर्फ प्रीमियम देना रहता है। लेकिन एक बात बताइए, ऑप्शन तो ठीक उसी तरह है ना जैसे आपका इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस खरीद के कितने लोग अमीर बनते हैं, इंश्योरेंस खरीद के कितना लोग अमीर बनता है, नहीं बनता, इंश्योरेंस बेच के कंपनी अमीर बन जाती है, इंश्योरेंस बेच के कंपनी अमीर बन जाती है, लेकिन इंश्योरेंस खरीद के कोई आदमी अमीर बनता है क्या, देखा है आपने, जल्दी नहीं देखा होगा, 1000 में कोई एक आध गो होगा, दो गो होगा जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है और उस पैसे से वो अमीर बन जाता है। उसी तरह ऑप्शन बाय करके कोई ज़्यादा पैसा नहीं बना सकता, ऑप्शन सेल करके बना सकता है, लेकिन सेलिंग में तो पूरा पैसा लग जाएगा, तो ये लोग बाय करेगा क्योंकि बाय में कम पैसा लगेगा। तो जब बाय करेगा और यहाँ पे स्पेकुलेशन, यहाँ पे जो बड़े बंदे हैं, जो बड़े लोग हैं, वो उसका पैसा खा जाएगा, वो मार्केट को साइडवेज करा देगा, वो मार्केट को रोक देगा, ब्लॉक कर देगा, एक रेंज फंसा देगा, सारा बाइंग का पैसा खत्म हो जाएगा, सारा डिके हो जाएगा, प्रीमियम पैसा जीरो। तो जब यहाँ पे घुस गया तो यहाँ पे जीरो हो गया, अब ट्रेडर के पास पैसा ही नहीं रहा, जब ट्रेडर के पास पैसा नहीं रहेगा तो ट्रेडर ट्रेड नहीं करेगा, तो सेबी बोलेगा देखा हमने सेटिंग लगाया ना, कर दिया ना रक्षा, अब वो ट्रेड ही नहीं करेगा, उसका पैसा ही नहीं खर्चा हो गया, देखा गजब कर दिया मैंने, क्या दिमाग लगाया। अरे पगला ऐसा करना रहे तो तुमको सीधे सीधे तुम ही डायरेक्ट बन जाओ ना ब्रोकर, तुम ही से सब रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, जाके सारे क्लाइंट से बोल दो, फिर ब्रोकर को बीच में उंगली के लिए क्या रखे हो, जुटेगा
सीधी सीधी सी बात है, सीधे सीधे ब्रोकर को हटा दीजिए, कहो भैया मेरे साथ आके तुम सीधे रजिस्टर करो, तुम यहीं से कर। जब हमको ब्रोकर एक्चुअली फैसिलिटी देने के लिए होता है, ठीक है, कभी देखा है सुना है कि NSE आपको चार्ट प्रोवाइड करता है? नहीं। कभी सुना है सेबी आपको चार्ट प्रोवाइड करता है? नहीं। हमेशा कौन प्रोवाइड करता है? ब्रोकर प्रोवाइड करता है ना। डेटा कौन प्रोवाइड करता है? ब्रोकर का आप यूज़ कर लेते हैं ना, ब्रोकर NSE और सेबी उसे लेता है, ठीक है, NSE से। तो वो आपको ब्रोकर फैसिलिटी देता है, उस फैसिलिटी के बदले में वो बोलता है कि भाई आप मेरे टर्मिनल से ट्रेड करो, जिससे मेरा भी खर्चा पानी चलता रहे। जब आप उसका हाथ पैर ही काट दोगे, मार्जिन ही नहीं दोगे, ट्रेडर ट्रेड ही नहीं कर पाएगा, तो उसका भी पैसा खत्म, वो भी नहीं कर पाएगा, तो फिर उसको रह के वो दूसरा धंधा ना कर ले, फिर वो ब्रोकर क्यों बनेगा? दूसरा धंधा कर लेगा, चाल दाल दाल चावल बेचेगा, कम से कम रोज वो लोगों को खाने का जरूरत है, लोग खरीदेगा तो उसका घर परिवार चलेगा। कहने का मतलब यही है ना। तो मेरे ख्याल से जो लोग यहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं कि 1 सितंबर को नो ट्रेड डे, नो ट्रेड डे बनाइए, नो ट्रेडिंग डे करिए, एक दिन के करने से कुछ नहीं होगा। आप एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे उसको को देखिए मैं बताऊँ, भगत सिंह ने बहुत पहले कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए ना धमाकों की ज़रूरत होती है। अगर बहरा को सुनाना है, कोई आदमी बहरा है ना, तो उसका कान के पास धमाका करिए, बम फोड़िए टाइप का, तब तक उसको सुनाए पड़ेगा कुछ। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो आप देख रहे हैं ना नाम SEBI, ये बिना कान का पैदा हुआ है। धमाका भी करेंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पास कान ही नहीं है एक्चुअली, है ना। कान रहे तब तो पर्दा उर्दा हिलेगा आवाज़, इसको कान ही नहीं है, इसको कान ही नहीं है, इसको समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली। जो खेलता नहीं है ना वही सिखाता है, बात समझिए, जो खेलता नहीं वही सिखाता है, यानी कोच वही बनता है जिसको खेलना नहीं आ रहा है। समस्या भैया पहले तुम खेल को तो देखो, तुम ट्रेडिंग करके तो देखो कि ट्रेडिंग में कितनी मुश्किलें हो रही है, जो तुम इतना रूल रेगुलेशन बना दियो, कितना दिक्कत नॉर्मल लोगों को हो रहा है। नॉर्मल लोग दूसरा काम छोड़ के एक ट्रेडिंग में आता है कि चलो भाई यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा इनकम सोचेंगे, एक एक्स्ट्रा इनकम बनाने की कोशिश करेंगे। आप उस इनकम का भी रास्ता बंद कर दो, तो कोरोना माय बंद किया हुआ है सबका, कोई धंधा पानी चौपट कर दियो, और दूसरा तुम इधर से ये बंद कर दे रहे हो, तो जाएगा कहाँ ये बताओ तुम? हाँ कहाँ जाएगा बताइए, कहाँ जाएगा आदमी? यहाँ भी पैसा नहीं बनाएगा तो बनाएगा आखिर कहाँ? तो आप यहाँ भी नहीं करने दे रहे हो, अब वहाँ दुकानदारी भी सब बंद, तो लोग आएगा तो कोई अदर इनकम सोर्स तो खोजेगा ना, तो वो स्टॉक मार्केट आता है। स्टॉक मार्केट देखिए जितना बढ़िया रहेगा, स्टॉक मार्केट में जितने नए लोग आएंगे, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा, कंट्री का ग्रोथ, मार्केट का ग्रोथ भी उसी पर डिपेंड होता है। आप तो यहाँ पर उसका ग्रोथ रोक रहे हो, आप तो इतने नियम लागू करके उसका ग्रोथ रख दोगे सीधे सीधे। मैं एक ही बात कहता हूँ, आप नियम बनाइए, क्योंकि मजबूर है ना, मानना मजबूरी है, नहीं तो तुम ट्रेड नहीं करने दोगे हमको, कुछ नहीं करने दोगे, मानना मजबूरी। तो इसका मतलब हम खाली वो होल्डिंग कर करके रखते जाएँ, होल्डिंग कर करके रखते जाएँ। अरे भैया होल्डिंग कर करके रखेंगे वो सही है, आगे 5 साल 20 साल बाद पैसा बनेगा, बहुत पैसा बन जाएगा उसमें, लेकिन कितने लोग होल्डिंग करके रख पाते भाई? नहीं रख पाते ना, ये पॉसिबल नहीं है ना, समस्या है। आप समझते क्यों नहीं सेबी भाई? आपको समझना पड़ेगा, ये गब्बर ही बोल रहा है आप तेरा क्या होगा कालिया, लेकिन फिर भी सेबी साहब को समझ नहीं आ रहा। तो एक दिन के ट्रेड ना करने से भाई साहब, मैं अपने सारे ट्रेडर लोगों को बोलना चाहूँगा, एक दिन ट्रेड ना करेंगे ना 1 सितंबर को, कोई फर्क उसको नहीं पड़ना है। आपको कंटिन्यू कुछ दिन ट्रेडिंग बंद कर दीजिएगा ना, जब उसका वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ क्या गड़बड़ हो चुका है, तब उसका कहीं ना कहीं कान पे जूर रहेगा, तब जाके कहीं समझिए कि धमाका का आवाज़ उसको सुनाई पड़ेगा। नहीं तो एक दिन ट्रेड वो ऐसे ही निकल, ये इंडिया है ना, यहाँ कहता दूर होते रहेगा ना, क्या टेंशन, आज कल दूसरा कल फिर एक मैच होगा, सेबी का रूल भूल के इंडिया पाकिस्तान के मैच में लोग बिजी हो जाएगा, भूल जाएगा, यही सब सोच के बैठा है लोग। एक्चुअली इसको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक ये लोग खुद ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। इनको ट्रेड करवाइएगा, मैं तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। कोई है जो इनको यहाँ के जितो कुर्सी पर जो सारे चारों लोग बैठे हुए हैं, 4-5 लोग जो बड़े बड़े, उन लोगों को बोलिए एक बार इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, नहीं फट के हाथ में आ गया तो नाम बदल देंगे फिर, हाँ तो पता चलेगा क्या मुश्किलें होती है। तो समस्या यही है। आप सही है, आप रिटेल ट्रेडर को बचाना चाहते हो मैनेजमेंट, तो भाई रिटेल ट्रेडर गधा थोड़ी है, उसको एक दो बार लॉस होगा तो वो अपने समझ जाएगा। एक दो बार अगर उसको रिटेल ट्रेडर को लॉस होगा ना 2-4 बार, तो अपने समझ जाएगा कि हाँ यहाँ रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट कर लेना चाहिए, तो वो बच जाएगा ना भाई, चोट लगेगा तो वो संभल जाएगा। लेकिन तुम तो पूरा का पूरा तुम कह रहे हो कि अच्छा पैदल चल रहा है, पैदल चलता है एक्सीडेंट होता है, पैर काट देंगे इसका, नहीं चलेगा पैदल, एक्सीडेंट ही नहीं होना है। अरे साला अच्छा गाड़ी गाड़ी में बैठा तो एक्सीडेंट होता है, लो साले गाड़ी कंपनियां बंद कर दो ना, साला कंपनी ना रहेगा ना गाड़ी बनाएगा ना साला एक्सीडेंट होगा, ये तरीका है क्या? लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो तुम तो साले सब बंद ही कर दोगे, तो आदमी ट्रेड करेगा कैसे, तो घर चलेगा कैसे, आदमी करेगा काम क्या? अदर इनकम सोर्स का लोग इसको सोच के आता है लोग, तुम अदर इनकम का इनकम नहीं है, आउटकम सब खत्म कर दे रहा है। तो ऐसे नहीं होता है ना कि अगर आपको गर्दन में दर्द है तो आप गर्दन ही तोड़ दो पूरा, ना रहेगा गर्दन, गर्दन ही उखाड़
के रख दो, ना रहेगा गर्दन ना होगा दर्द, ये कोई इलाज नहीं है ना सर, आपको दवाई चाहिए, आपको पेन किलर ले देना होगा, आपको थोड़ा इजी बनाना होगा। आप जितना टाइट कर रहे हैं ना सर, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं इतना टाइट नहीं है। आप जाके चेक करिए एक बार, आप देखिए, आपके पास तो डेटा भी है मालिक, आपको तो पूरे वर्ल्ड का डेटा मिलता होगा, आप एक बार उसको देखते क्यों नहीं है सर। टेबल पर सिर्फ बैठने से काम नहीं होगा, एसी रूम में बैठ के रूल रेगुलेशन बना, एक बार ट्रेड करके तो देखिए मालिक, छोटे ट्रेडर को दिक्कत क्या होती है। एक्चुअली मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग जवाब देते जाइए, मैं आपको ये नहीं कह रहा। ये कालिया का सवाल है, तो कालिया ही पूछ रहा है, गब्बर पूछता है कि अब तेरा क्या होगा कालिया, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है। तो एक दिन के सितंबर, एक सितंबर को ट्रेड ना करके सेबी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ना है। जब हम रिटेल ट्रेडर 10-20 दिन कंटिन्यू अगर ट्रेड नहीं करेंगे ना, तभी फर्क पड़ेगा, तभी उसको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा है। लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूर है, हम लोगों का काम यही है ना ट्रेड। मेरा काम, मेरा दुकान है एक तरह का ट्रेड करना, ट्रेडिंग को मेरा अपना, मैं तो हमेशा अपना ट्रेडिंग को दुकान मानता हूँ। 9 बजे शटर उठाया, सामान उमान बेचा खरीदा, रिलायंस खरीदा, टाटा स्टील बेचा, इससे पैगा सामान खरीदा बेचा कर दिया, और 1-1.5 घंटे में जो धंधा पानी हुआ लेके बंद कर देता हूँ। ये तो दुकान समझ के मैं ट्रेड करता। अब तुम मेरा दुकान ही नहीं खोलने दोगे तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरा घर तो इसी पे डिपेंड है, मैं तो इसी पे चलता हूँ भैया, इसी का इनकम से खाता हूँ। तो ये चीज़ आप अगर कट कर दोगे भाई मेरे, पहले एक समय था जब हम लोग 15,000 अकाउंट में रखते थे, तो हम लोगों को 15 लाख का ट्रेड कर लेते थे, 20 लाख का ट्रेड कर लेते थे। मजाक नहीं कह रहे हैं, अगर 15,000 रख लिए तो 15 लाख का भी ट्रेड कर लेते थे, उसका मज़ा अलग था। हाँ, लॉस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 1-2 बार 3 बार लॉस होगा तो अपने आप समझ जाएगा कि मनी मैनेजमेंट करके चलो, रिस्क मैनेजमेंट करके चलो। लोग अपना ब्रोकर को खुद मालूम है इस क्लाइंट के पास कितना पैसा है, वो उस क्लाइंट को अलग अलग डिवाइड कर लेगा, और किसको 75% देना है मार्जिन, और किसको 25% देना है, किसको 50% देना है, किसको नहीं देना, वो अपना कर लेगा। तुम उससे ब्रोकर को डिसाइड करने दो ना, ब्रोकर के पास तो डेटा है ना सारे लोगों का, ये सब कर करके। तो मेरे ख्याल से ये बेकार चीज़ें हैं दोस्तों, वॉल्यूम तो कम होना ही है, ट्रेडिंग में मज़ा भी उतना नहीं रहेगा। एक्चुअली मैं ये बता दूं, मैं सपोर्ट करूं ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये सपोर्ट करने की तो बात ही नहीं चल रहा, बात ही नहीं उठता यहाँ सपोर्ट करने का। सिर्फ यही है कि भैया एक दिन ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है, एक दिन ट्रेड करके नहीं करोगे ना तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ना है, कंटिन्यू 10-20 दिन बंद कर दो ट्रेडिंग, तभी फर्क पड़ना है, अदरवाइज कोई। अब बात है कि तो मैं ट्रेड करूंगा कि नहीं 1 तारीख को, तो भाई मैंने क्या कहा, मेरा तो दुकान है, मैं तो इसी पे डिपेंड हूँ, मुझे तो करना ही करना है, मुझे तो 500 रुपया कमाना है सोच के मैं आता हूँ कि 500-1000 रुपया कमा के घर चले जाएंगे भैया, तो मेरा तो दुकान है भाई। हाँ, तभी नहीं कर पाएंगे जब पूरा मार्केट ही बंद कर देगा, तभी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या करें, सारे लोग इस तरह से नहीं कर पाएंगे, सबके पास उतना पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि वो कर पाए, से भी कि इतने रूल रेगुलेशन, नए लोग आना भी नहीं चाहेंगे, इतना रूल रेगुलेशन बना देगा ये, तो मेरे ख्याल से ये सही चीज़ नहीं है। आप लोगों का क्या मानना है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो मेरा मन का था भड़ास, वो मैंने यहाँ पे आके निकाल दिया है। बाकी अब आप लोग समझिए कि भाई अब आप कैसे अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, क्या करना चाहिए। ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो बाइंग करके ज़्यादा पैसा नहीं बनता है ऑप्शन में, मैं हमेशा कहता हूँ सेलिंग में पैसा बनता है, लेकिन सेलिंग के लिए भी पूरा पैसा चाहिए, 25-30 लाख 40 लाख चाहिए, और वहाँ पे पैसा बन सकता है सेल करके, उसमें भी बहुत नॉलेज होगी। तो बाइंग में तो 1000 में कोई 2-3 आदमी बनाता है ऑप्शन बाय करके, सारे लोग नहीं बना पाते, ये चीज़ों को समझना पड़ेगा, तो उसमें बहुत लॉस ही लॉस होगा बॉस, और कुछ होगा नहीं। तो उम्मीद है ये छोटा सा चीज़ जो मैं समझाना चाह रहा था समझ गए होंगे आप। अब मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।